लोगों ने आपको डिफरेंट अवतार में देखा है, तो ये पूरा नेगेटिव है, तो लोगों का इम्पैक्ट अभी भी पहले जैसा है या थोड़ा डिफरेंट है? मुझे ऐसा लगता है कि एज एन एक्टर आपके पास वैरायटीज होनी चाहिए काम दिखाने के लिए, कि हाँ अगर मेरे हाथ आशीर्वाद देने के लिए उठ सकते हैं तो बंदूक मारने के लिए, बच्चों को मैं अगर बचा सकती हूँ तो बच्चों को मैं डाल भी सकती हूँ. तो देन आई मैनिफेस्टेड एंड आई सेड, हे भगवान अब ऐसा कुछ कर दे कि यू नो आई ऑल्सो वॉन्ट टू प्ले समथिंग एल्स, कुछ अलग हो, कुछ तीखा भी हो, क्योंकि मीठा ही मीठा कब तक खाओगे. एग्जैक्टली, कुछ तीखा होना जरूरी है जिसमें मजा आए. चलिए ना, लोग नेगेटिव को थोड़ा डिफरेंट वे में भी देखते हैं. मतलब पहले अगर पॉजिटिव रोल है तो लोग ना एकदम प्यार बरसा देते हैं, पर नेगेटिव रोल है ना तो उनको रियल में लगता है यार ये तो बुरी होगी. मुझे भी ये लगता है कि आप नेगेटिव लेकर ही वैसे आते हो जहाँ पर आपको आपको काम जब आप करो तो आपको मजा आए देखने में. जुल्फे हैं, फिर उसके बाद साड़ियाँ भी सुंदर सुंदर पहनाई जा रही है, फिर काम किया जा रहा है, लुक्स पे काम हो रहा है, मधुराक्षी. पहले तो मैं पूछना चाहती हूँ, आप कयामत से कयामत कहाँ गायब हो गई हो? खून करके भागी हूँ. कहाँ, मतलब कब आ रही हो आप रिटर्न? वो तो हमारी प्रोड्यूसर बताएंगी. ओके, बट हाँ अभी मैं खून करके भागी हूँ और शाइना का जो कमबैक होने वाला है वो बहुत ही खतरनाक वापस से होने वाला है. सो दे आर राइटिंग फॉर इट एंड आई एम वेटिंग फॉर इट. तो ये आपको कैसा लग रहा है अभी ये जो सीरियल चल रहा है, कितना मजा आ रहा है? बिकॉज इट्स नेगेटिव रोल, लोगों ने आपको डिफरेंट अवतार में देखा है, सीता के अवतार में देखा है, देवी जी के, लक्ष्मी जी, अलग अलग चीजों में देखा है, तो ये पूरा नेगेटिव है, तो लोगों का इम्पैक्ट अभी भी पहले जैसा है या थोड़ा डिफरेंट है? मुझे ऐसा लगता है कि एज एन एक्टर आपके पास वैरायटीज होनी चाहिए. Exactly. काम दिखाने के लिए कि हाँ अगर मेरे हाथ आशीर्वाद देने के लिए उठ सकते हैं तो बंदूक मारने के लिए उठ सकते हैं. इंटरेस्टिंग. बच्चों को मैं अगर बचा सकती हूँ तो बच्चों को मैं डाल भी सकती हूँ. तो सी एज एन एक्टर यू हैव टू हैव दिस वैरायटीज ऑफ वर्क इन योर हैंड्स. लाइक अगर जैसे हम देखते हैं अमिताभ बच्चन जी के झोली में इतने खूबसूरत काम आए हैं और उनको देखकर कि मैं बड़ी हुई हूँ. तो जब वो किसी का भला करते हैं, उन्होंने काफ़ी नेगेटिव्स भी प्ले किए, पॉजिटिव भी प्ले किए हैं. सो आई ऑलवेज वांटेड कि मैं अगर काम करूँ तो मेरे पास भी वैसी ही अपॉर्चुनिटीज़ आएँ. और बीच में ऐसा हो गया था कि मेरे पास सिर्फ देवियाँ ही देवियाँ आ रही थी. तो देन आई मैनिफेस्टेड एंड आई सेड, हे भगवान अब ऐसा कुछ कर दे कि यू नो आई ऑल्सो वॉन्ट टू प्ले समथिंग एल्स, कुछ अलग हो, कुछ तीखा भी हो, क्योंकि मीठा ही मीठा कब तक खाओगे. Exactly. कुछ तीखा होना जरूरी है जिसमें मजा आए. सो इतना तीखा आ गया कि मतलब तीन खून तो मैंने ऐसे खड़े खड़े पे तीन खून किए, जमीन में गाड़ दिया और क्या नहीं किया. सो यार इट वॉज फन. तो मतलब कुछ और प्रोजेक्ट भी आप देख रहे हो इसके अलावा? फिलहाल तो आई एम डूइंग दिस एंड वैसे बोल सकती हूँ अब कि वंस आई प्ले दिस नेगेटिव कैरेक्टर, काफ़ी लोगों ने नोटिस किया, अप्रेज किया और सॉरी प्रेज किया मुझे. और उसके बाद मेरे लिए थोड़े से दरवाजे खुल गए हैं जहाँ पर मुझे अलग अलग किरदारों के ऑफर्स आ रहे हैं. और मैं चाहती हूँ कि अब आप भी जल्दी मुझे एक नेक्स्ट अलग किरदार में देखें. तो अभी से तो नहीं, बाकी तो देखो ऊपर वाले के हाथ में कब वो क्या देना चाहते हैं. Exactly. बट मैं अभी यही कह सकती हूँ कि मेरे पास में मुझे अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी सारी आ रही हैं, टच वुड. और हो सकता है कि आफ्टर यू नो शाइना मैं एक और कोई इतना प्यारा सा किरदार निभाऊँ कि जहाँ पर आप लोगों को देखने में मज़ा आए. पर चाइना का रोल इतना ही प्यारा है, ऑलरेडी मज़ा आ रहा है ऑडियंस को, क्योंकि वो नेगेटिव है. प्लस एक्चुअली ना लोग नेगेटिव को थोड़ा डिफरेंट वे में भी देखते हैं. मतलब पहले अगर पॉजिटिव रोल है तो लोग ना एकदम प्यार बरसा देते हैं, पर नेगेटिव रोल है ना तो उनको रियल में लगता है यार ये तो बुरी होगी. इसने सच में एक मैंने पहले देवी प्ले किया ताकि लोगों तो कभी आपको लोगों को समझ में आए कि काम है, दिस इज वर्क. एग्जैक्टली. ऑल्सो नेगेटिव जो कैरेक्टर है टीवी में, स्पेशली हमारे टीवी में, बहुत खूबसूरत दिखाया जाता है, स्टाइलिश दिखाया जाता है. हाँ, वो शाइना के मतलब ज्यादा, मतलब मुझे ऐसा लगता है ना जो लीड रोल करते हैं ना उससे ज्यादा उनको, मतलब जो उनका ड्रेसिंग से लेके, मुझे भी ये लगता है कि आप नेगेटिव लेकर ही वैसे आते हो जहाँ पर आपको
नो आपको काम जब आप करो तो आपको मजा आए देखने में. जुल्फे हैं, फिर उसके बाद साड़ियाँ बड़ी सुंदर सुंदर पहनाई जा रही है, फिर नो काम किया जा रहा है, लुक्स पे काम हो रहा है कि यू नो हम नेगेटिव आएगी आंखों से काम करेगी. सिर्फ ऐसा कर लिया समझ में आ गया कि हाँ, देवी जी का भी काम ऐसे ना, आंखों से देख लिया, गुस्से में देख लिया. तो वो बहुत टफ है, लेकिन देवी का किरदार काफ़ी टफ है क्योंकि हमारी हिंदुस्तानी जो जनता है एंड वी आई स्पेशली मी टू, हम बहुत कनेक्शन लेकर चलते हैं बचपन से. क्योंकि जब आप पैदा होते हो तो सबसे पहले आपके कान में राधे राधे या ओम नमः शिवाय बोला जाता है, तो हम एक कनेक्शन ही हम लेकर आ रहे हैं यू नो बीइंग अ हिंदू. यस. और जब आप वो किरदार प्ले करते हो तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि आपको उतना उस लेवल पर तो पहुँचना ही है जहाँ पर वो किरदार का जो आपको प्ले करने के लिए दिया जा रहा है वो सीधे सामने वाले के दिल तक पहुंच पाए, क्योंकि यहाँ पर कोई जोर हो ही नहीं सकता. यू हैव टू बी दैट यू नो, अच्छा होना इतना ज़रूरी है और काम अच्छा करना इतना ज़रूरी है कि सामने वाले, अगर मैं रोना सामने वाले की आंखों में आंसू आने चाहिए. वाओ, दैट वे. बहुत बहुत अच्छी बात बोली आपने, काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात बोली. पर जैसे हम, जैसे आपने बोला जो सीता या देवी का कोई रोल करते हैं वहाँ हम सेट पर होते हैं ना, तो लोग अलग नज़र से देखते हैं, और जब हम दूसरे से शोज करते तो लोगों का नजरिया बदल जाता है थोड़ा सा ऑन सेट ऑफ कैमरा. तो आपके साथ कभी ऐसा कुछ ऑफ कैमरा कुछ अलग हुआ हो, जैसे कास्टिंग काउच या समथिंग? मेरे साथ वन थिंग, बिकॉज जो मैंने भी किरदार किए हैं और जिस तरह से मेरे पास मेरी झोली में प्रोजेक्ट्स आए हैं, बीट सिया के राम, बीट वैष्णो देवी, बीट विघ्नहर्ता गणेश हो गया, या फिर कर्ण संगिनी हो गया, सारी देवियाँ ऑलमोस्ट जो अभी तक इम्पॉर्टेंट जो देवीज हैं जो मुझे प्ले करने का किरदार मिला, मेरी इमेज एक वैसी बनी हुई है. जहाँ पर जो आपने सवाल किया मुझे वहाँ तक मुझसे भी शायद ना हिम्मत हुई है और ना ही वो बाउंड्री किसी की क्रॉस हुई है कि मुझसे ये सवाल किए जाए या इस तरह का कुछ ऑफर हो. सो उतना आशीर्वाद है मेरे ऊपर भगवान का, और मैं चाहती हूँ सभी पर रहे कि ये किसी को ऐसा ना देखने को मिले कि यू नो आपको काम के लिए एक एक्स्ट्रा स्टेप लेना पड़ रहा है जहाँ पर आपकी कैपेबिलिटी से ज़्यादा आपको यू नो यू हैव टू पेम्पो पीपल. सो मुझे तो काम का बोलना ज़्यादा ज़रूरी है देन अदर थिंग्स. सो लाइक एज यू आस्क्ड, आई हैव बीन रियली ब्लेस्ड एंड आई वांट टू बी ब्लेस्ड, प्लीज ऐसे ही रखना. जहाँ पर अलग अलग मैं किरदार भी निभा पाऊँ, और आई वांट टू मीट एंड वर्क विद गुड पीपल, एजुकेटेड पीपल, एक्सपीरियंसड पीपल एंड फन लविंग पीपल ऑन सेट. कयामत से कयामत पे आपका कैसा, मतलब ऑफ कैमरा कैसा है सबके साथ, कैसी बनती है आपकी? सो आई हैड अ वेरी गुड एक्सपीरियंस सो फार एंड आई वॉन्ट कि ऐसा ही एक्सपीरियंस रहे. सेट पे सभी लोग बहुत अच्छे हैं, वेरी फन लविंग. हाँ थोड़ा सा हैक्टिक हो जाता है बिकॉज एक तो सेट बहुत दूर है, तो जाते टाइम पे 2 घंटे लग जाते हैं, आते टाइम पे 3-4 घंटे लग जाते हैं. सो पीपल आर ऑलरेडी वेरी टायर्ड. तो नो फिर देन यू शूटिंग ऑल्सो, देन स्क्रिप्ट भी बहुत हमें नो हैंड लाइक कट टू कट मिल रही है, फिर हम लोग कट टू कट चल रहे हैं, तो थोड़ा सा हैक्टिक हो जाता है. तो थोड़ी मस्ती कंपैरेटिवली कम हो जाती है बिकॉज टेलीकास्ट हमारा अटका हुआ होता है, अदरवाइज व्हेन वी हैव द बैंक हम लोग बहुत मस्ती करते हैं ऑन सेट. वाओ, तो लेट्स हैव वन सेगमेंट जहाँ पे मैं आपको तो 2 से 4 या 5 क्वेश्चन पूछूंगी जहाँ आप मुझे आंसर करोगे. ऑलरेडी आप मुझसे 10 सवाल कर चुके हो. थोड़ा थोड़ा और कर लेते हैं ना, लेट्स गो फॉर इट. फन सेगमेंट, अननोन फैक्ट अबाउट यू. लोगों को लगता है कि मैं बहुत सीधी हूँ और बहुत इनोसेंट हूँ. आई एम वेरी फन लविंग, आई एम वेरी क्या बोलते हैं उसको, मेरे पास शब्द नहीं है अपने, मस्ती खोर इज द शब्द. मुझे अभी भी याद है जब मैं स्कूल में थी और हमारी जो प्रिंसिपल नहीं हमारी जो क्लास टीचर है उनका ऑफ था, और उस दिन भयंकर नो आवाज़ें आ रही हैं हमारी क्लासरूम से, तो दूसरी टीचर आके बोलती है एकदम मेरा नाम लेके, चुप रहो मदिराक्षी. एंड द एक बंदा वहाँ से बोलता है आज वो एब्सेंट है. तो दैट मीन्स कि मेरी इतनी ऐसी इमेज बनी हुई है कि मैं क्लास में थी भी नहीं और मेरे नाम से बोला गया तुम चुप रहो यहाँ से, इसको बाहर निकालो, बहुत मस्ती चल रही है. सो नो आई हैव दिस इन मी, क्योंकि मुझे प्ले करने के लिए वैसे बड़े बड़े किरदार मिले हुए भारी वाले कि यू नो लोगों को ऐसा लगता है कि मैं वही हूँ. हाँ वो बात और है कि 21 दिन अगर आप कुछ भी करो तो वो सिद्ध होने लगता है. एग्जैक्टली. लाइक अगर आप 21 डेज सोचोगे कि मैं जॉगिंग करना चालू करती हूँ, मैं 21 डेज तक करती हूँ, 22 दिन से अपने आप ही आदत लग जाएगी. एग्जैक्टली. तो वैसे कुछ कुछ गुण मुझ में बहुत ज़्यादा आए फ्रॉम देवी, क्योंकि मैंने पढ़ाई बहुत करी है.
लाइक आई हैव रेड अ लॉट अबाउट आर संस्कृति आर यू नो हमारे जो ग्रंथ हैं जो हमारी पुराने हैं मैंने बहुत पढ़ाई करी है जस्ट बिकॉज टू यू नो व्हेन आई एम एक्सप्रेसिंग इट तो आपके दिलों तक वो एकदम वैसे ही पहुंच पाए जैसे हमारे राइटर्स ने लिखा है जैसे हमारे यू नो प्रोड्यूसर्स ने रेकी की हुई है और एक शो बनाने के लिए नहीं नहीं तो नहीं डेढ़ साल लगता है एग्जैक्ट इफ इट इज़ माई थो तो उसके पीछे जो बड़ा यू नो टाइम जाता है एफर्ट्स जाते हैं रेकी है फिर यू नो स्टडीज हैं तो वो प्ले करने के लिए एक एक्टर को भी वैसे रेडी होना पड़ता है कि आपको पता तो होना चाहिए भैया पीछे क्या चल रहा है एग्जैक्टली तो वो मेरे अंदर है बट एट द सेम टाइम मैं बहुत ज़्यादा मस्ती खो रही तो वो लोगों को पता नहीं है नाउ आई सी यू आर मस्ती खो अगर तुम ऐसे जाओगे तो छिपकली भी रहेगी तुम्हारे पीछे देखो ओके डिड यू एक्सपीरियंस बुलिंग लाइक जब आप यंगर या कॉलेज में थे किसी ने बुल किया आपको बुलिंग किया है कॉलेज और स्कूल में तो नहीं बट भाई बहनों में थोड़ा बहुत हो जाता है ना मेरी टीम तेरी टीम तो हमने बचपन में मैंने वो काफ़ी फेस किया हुआ है तो मैं मम्मी के ना ऐसे ऐसे आगे खूब रोती थी कि सब भाई बहन एक तरफ हो चुके हैं मुझे अकेला कर दिया है मुझे ये कर दिया है मुझसे बात नहीं कर रहे मुझे लेकिन अकेले मेरे भाई बहन घूमने निकल जाते थे तो सब लोग मुझे बोलते थे हाँ मम्मी की चमची क्योंकि मैं हर चीज़ में मम्मी से पूछती थी जाऊँ क्या ये करूँ क्या मुझे पैसे दे दो तो सब कुछ चिढ़ आ जाती थी कि अरे यार अपन जा रहे हैं फिर मम्मी को बता देंगे तो जाने नहीं देंगे तो यू बीइंग मम्मास गर्ल ऑलवेज आई एम ऑलवेज अ मम्मास गर्ल लड़कियां तो डैडस गर्ल होती है मैं आई एम बिग मम्मा गर्ल ओके व्हाट इज द क्रीपीएस्ट फैन हैज एवर डन टू यू मतलब कभी कोई कमेंट कर दिया हो या डीएम कर दिया कुछ क्रिप एकदम आई हैव वन पर्सन हु इज रियली अननोइंग नाम नहीं लूंगी नहीं तो वो और करेगा बट देन ही इज टेक्सटिंग मी तो छोड़ दो उसके मैंने नहीं तो नहीं 600 अकाउंट ब्लॉक किए ही इज बीइंग टेक्सटिंग माय फ्रेंड्स जो मेरी वॉल पर है उनको 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 एंड देन दे आर सेंडिंग मी स्क्रीनशॉट्स कि मदी ये मुझे भी भेज रहा है ही इज आस्किंग योर नंबर इज आस्किंग योर नंबर टू मच बिग फैन आई वोंट कॉल दैट पर्सन अ फैन इट इज़ नॉट अ फैन बिकॉज फैंस आपको परेशान नहीं करते फैंस आपको प्यार करते हैं वो परेशान नहीं करते हैं सो ही इज नॉट अ फैन आई डोंट नो व्हाट इज रॉन्ग विद द पर्सन सो मच इरिटेशन टेक्सटिंग एवरीबॉडी अगर मैं 100 लोगों को फॉलो करती हूँ 100 को मैसेज कर दूँ दैट्स स्कैरी यस इट इज वेरी स्कैरी सो इट इज नॉट वेरी एक्साइटिंग टू नो बट अगर आप सुन रहे हो तो प्लीज Stop doing that. Yes, please. I'm not happy with this. Please, हाँ, please ये बंद कर दो. What is low budget meal you have every day? See, I'm a very simple person that way. मुझे जो भी अच्छा सा tasty खाने को मिलता है तो मैं खा लेती हूँ. Generally, I intake दाल चावल. Nice. हमेशा से मैं like since 2015 I've been having दाल चावल every evening. तो वो एक चीज है मेरी विच इज वेरी सिंपल एंड नो यस ऑब्वियसली उसमें थोड़ा घी भी डाल दो तो अच्छा लगता है नहीं मैं बिना घी के तो मैं खाती ही नहीं हां घी के हैव टू थ्री यस एग्जैक्टली ओके हैव यू एवर बीन रिजेक्टेड आफ्टर शूटिंग योर शूट हाउ डिड यू हैंडल दैट वैसे तो हम लोग इतना कट टू कट जाते हैं कि रिजेक्ट करने का मौका ही नहीं मिलता बट आई थिंक आई हैड दिस एक्सपीरियंस वंस इट वॉज अगेन अ डेली सोप एंड आई आस्क माई प्रोड्यूसर कि मैम थोड़ा सा क्यों काटा है वो वाला सीन इतना प्यारा आया था देन शी सेड कि बिकॉज वी डिडंट हैव दैट मच यू नो स्पेस तो वो ज़रूरी था काटना बट मदिराक्षी इन सेकेंड थिंग वी विल कवर इट अप तो यू नो आई हैव बीन वेरी गुड प्रोड्यूसर्स विद मी ऑल द टाइम तो कोई भी क्वेश्चन होते हैं या क्वेरीज होती है तो आई वन टू वन आस्क कि क्या हो गया वाई यू डिड दैट तो देन मुझे इमीडिएटली रिप्लाइज मिल जाते हैं तो फिर मैं डिसहार्टन नहीं होती हूँ एंड देन आई ट्राई इन माय लाइफ कि मैं ज़्यादा डिसहार्टन ना हो ये बहुत अच्छी चीज़ है मतलब वो ज़्यादा काम पे अफेक्ट काम पे अफेक्ट कर लेता है वो चीज़ सोचती नहीं हूँ मैं यू आर हैप्पी मैं पूरा इंटरव्यू देख रही हूँ अभी यहाँ से तो यू आर हैप्पी और आपको देख के मुझे खुशी हो रही है Okay, what does it feel like to be a celebrity? Wow, wonderful. Wonderful. So, मैं बचपन से तो मैंने ये सपने नहीं देखे थे कि मैं एक यू नो एक ऐसी सेलिब्रिटी बनूंगी जो लोगों को इंस्पायर भी करेगी मोटिवेट भी करेगी और लोगों की पसंदीदा भी होगी बट अभी क्या सीन है ना सो बचपन में जो दोस्त होते थे आपके जो आपको चोटी खींचेंगे यू नो रूम में बंद कर देंगे ऐसे होली पे ऐसे कलर लगाएंगे कि मतलब आप दुश्मन हो इतने बड़े लेकिन सबसे पक्के दोस्त भी हो अब उनके लिए जब मैं सेलिब्रिटी बन जाती हूँ ना देखते तू बन गई
तो कितना बड़ा शो कर रही है, तो ये कर रही है, तो कर कैसे लेती है. सो यू नो दैट फीलिंग इज वेरी गुड. क्लोज वन जो बोलते हैं, यस एग्जैक्टली, बोलते हैं ना आपसे कि यार तूने कितना बढ़िया काम किया यार, तू कर सकती है. सो देन दैट फीलिंग इज वेरी गुड. एंड स्पेशली माय मदर. सो जब बच्चा ग्रो करता है ना, तो सबसे ज्यादा खुश माँ होती है. सो माय मदर, शी एवरी डे, भले मैं शो कर भी रही हूँ या मेरा ब्रेक चल रहा है या मैं घर पे हूँ या फिर मैं बड़ा शो कर रही हूँ या मेरी होर्डिंग्स भी लगे हुए हैं, भले वो यू नो किसी ब्रांडिंग की लगी हो, एवरी डे शी हैज दिस प्रेयर. आप देखो कि गुड मॉर्निंग मेरा बच्चा, हमेशा तरक्की कर. एवरी पॉजिटिविटी, आई हैव दिस यू नो आशीर्वाद विद मी. तो मुझे लगता है कि अगर मैं यहाँ तक पहुँची हूँ तो इट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ माई मदर्स यू नो प्रेयर्स. ऐसे बोलते हैं ना, जब हमारे पेरेंट्स प्रे करते तो भगवान तथास्तु बोलता है. पेरेंट्स खुद भगवान होते हैं या मतलब जब वो भगवान से बोलते हैं ना कि हमारे बच्चों को, तो भगवान तथास्तु. सो ये एक पुराण में भी लिखा हुआ था, मुझे याद नहीं आ रहा किसमें, और फिर मैंने एक इंटरव्यू भी देखी थी, ज्योतिषी थे तो उन्होंने यही कहा था कि ये मैंने देखी थी 2016 में कि जब आप आपके सामने अगर आपकी माँ है, अगर आप अपने माँ के ही रोज पैर छू लो या फिर अगर आपकी माँ ही आपको आशीर्वाद रोज दे तो आपके चंद्र ठीक होते हैं. No. और उसके बाद जो चंद्र ठीक होना मतलब आपका दिमाग, अगर एवरीथिंग इज माइंड, लाइक जो हमारे पास है वो आपके पास भी है, वो अंबानी जी के पास भी है, वो अमिताभ जी के पास भी है, नाक मुंह कान आँख सब हमारे पास है, इट्स ओनली माइंड गेम. तो अगर आपका दिमाग अच्छा रहता है ना तो आपकी लाइफ बड़ी सॉर्टेड है. सो अगर अपनी माता के पैर पड़ेंगे तो आपके चंद्र अच्छे होंगे, पिताजी के पैर पड़ेंगे गुरु अच्छे होंगे, सूर्य अच्छे होंगे. सो यू नो दिस इज हाउ आई स्टार्टेड यू नो माई लाइफ अकॉर्डिंग टू यू नो अराउंड देम, कि मुझे ये अच्छा करना है, ये अच्छा करना है, एंड आई वॉन्ट देम टू बी हैप्पी. तो उनकी सुनोगे तो आपकी हर चीज़ें अच्छी हो ही जाएंगी. सो दिस इज हाउ मुझे इतना कभी यू नो लाइफ में डिफिकल्टीज मैंने फेस नहीं किया. हो सकता है होगी बट वो मुझे लगी नहीं की है, बिकॉज ऑफ देयर आशीर्वाद एंड यू नो ऑल दीस थिंग्स, वो ओवरकम हो गया, पता भी नहीं चला, निकल गया वो वक्त. ओके द लास्ट वन, डू पीपल मिस यूज योर फेम? हो सकता है, हो सकता है. एक बार एक इंसिडेंट हुआ था मेरे साथ, मैं नाम नहीं लूंगी बट पुलिस स्टेशन में गए थे एंड देन यू नो दे शोड मी माय फोटो एंड देन दे थे यू डोंट नो हु इज दिस गर्ल, शी कैन इमीडिएटली डू दिस डू दैट एंड यू नो ही कॉल्ड मी, आप क्या कर सकते हैं मेरे साथ, मेरी वर्दी ये वो फलाना टीम को. मैंने कहा बहुत, मैं कहा नहीं नहीं सर ऐसा नहीं है, प्लीज़ आप उनको माफ कर दीजिए, ऐसा कुछ भी नहीं, मैं कुछ नहीं कर सकती. सो इट हैपेंड विद मी कि नाम लेकर कि मेरा ऐसा मिसयूज हुआ है, बट मैं चाहती हूँ ऐसा ना हो क्योंकि सबसे बड़ा तो भगवान ही है. एग्जैक्टली. लास्ट मैसेज टू द ऑडियंस जो आपको देख रही है, जो आपका वेट कर रही है फिर से. मैं सभी से कहना चाहूँगी, टू ऑल माय फैंस, थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव एंड ऑल द सपोर्ट. जैसे आपने मेरे सारे किरदार अभी तक पसंद किए, आने वाले किरदारों को भी इतना ही प्यार दीजिएगा. एंड माय लॉट्स ऑफ लव टू यू एंड थैंक यू वंस अगेन फॉर ऑल द लव एंड सपोर्ट. हाय, मैं हूँ मदिराक्षी एंड यू वॉचिंग मी ऑन ऑसम टीवी.